हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडिंग प्लस। तो चलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ मंथली ट्रेड शेयर करूंगा। ये वाला मंथली ट्रेड मैं ऑलरेडी ले चुका हूं जुलाई मंथ के स्टार्टिंग में, बट इसके सारे एडजस्टमेंट मैं आपको बताऊंगा सो दैट कि नेक्स्ट मंथ जब आप ये ट्रेड अपने अकाउंट पर लेंगे तो आपको किस तरह से एडजस्टमेंट करना है, ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में समझ में आएगी। और इस वीडियो ये जो मैं एडजस्टमेंट आपको बताने जा रहा हूँ इसके ऊपर ऑलरेडी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, पूरी कंप्लीट स्ट्रेटजीज के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं जैसे जुलाई मंथ चल रहा है आपका, तो जुलाई मंथ में क्या एडजस्टमेंट करना है, क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट हो सकते हैं, इस तरह का जो मार्केट कंडीशन है, क्योंकि इस समय जो विक्स है वो बहुत लो है, इंडिया विक्स जो है वो बहुत लो है, तो प्रीमियम बहुत कम है मार्केट में, तो लो विक्स में भी आप किस तरह से एक हैंडसम रिटर्न बना सकते हैं उसके ऊपर ये पूरी वीडियो है। और देखिए इसमें एडजस्टमेंट बहुत सारे नहीं करने होते हैं, जो कुछ एडजस्टमेंट करने हैं वही मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, बिल्कुल प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बताऊंगा, क्योंकि मेनली ये वीडियो उन लोगों को ज्यादा फोकस करती है जो लोग वर्किंग पीपल है, ज्यादा टाइम नहीं दे सकते मार्केट को, पर स्टिल मार्केट में पार्टिसिपेट करके एक अच्छा रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादा डेडिकेटेड है। सो आई होप ये वीडियो देख के आपके जो भी सारे डाउट है मंथली स्ट्रेटजी को लेके वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, राइट। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे जाने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, एक सेकंड का टाइम लगेगा आपको, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, देखिए ये स्ट्रैटेजी तो मैं आज आपको समझा रहा हूं, बट आपको टेलीग्राम में भी इसके सारे अपडेट्स मिलेंगे, तो आप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप जाके जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, तभी आपको सारे अपडेट जो भी मैं ट्वीट करता हूँ उसके अपडेट सभी आपको मिलेंगे, राइट। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते हैं सारी चीजें। चलिए तो अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट खोला हुआ है, ये डेली कैंडल है, ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये डेली कैंडल है, इसको मैं 1 आवर का कर देता हूँ सो आप क्लियरली समझ में आएगा। अब ये देखिए मैं एक्चुअली जिस ट्रेड की बात कर रहा हूँ वो ये ट्रेड है, अब मैं आपको पूरा समझाऊंगा अभी कि ट्रेड को डिप्लॉय कैसे करना है वो सारी चीजें, इसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है वो देख लीजिएगा। इसमें मैंने देखिए पहले मैं आपको बेसिक समझा दूं कि ये ट्रेड मैंने क्यों बनाया हुआ है, और उसके बाद मैं आपको पहले यहाँ पे पहले एक बार चार्ट देख लीजिए, मैंने ये ट्रेड 3 जुलाई को बनाया, तो 3 जुलाई आपका कब था, 3 जुलाई आपका अराउंड 23 जुलाई, ये तो मैंने अराउंड 3 o'clock, क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई भी ट्रेड इनिशिएट करता हूँ तो डे एंड में ही इनिशिएट करता हूँ, तो डे एंड आपका 3 जुलाई को 45,100 के आसपास था, 100 और 200 आप मान लीजिए 45,200 के आसपास था। तो अब यहाँ पे देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने सिंपल एक स्ट्रैंगल बेचा हुआ है 45,500 का, ऊपर की तरफ मैंने कॉल ऑप्शन बेचा हुआ है, नीचे की तरफ मैंने क्या बेचा हुआ है 44,500 का, तो मतलब 1000 पॉइंट की रेंज पे मैंने एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन बेचा हुआ है, ऊपर की कॉल साइड में मैंने 45,500, पुट साइड में मैंने 44,500। अब सेकंड स्टेप मैंने क्या किया है, यहाँ पे आप देखिएगा मुझे कॉल में कितना प्रीमियम रिसीव हुआ है 448 समथिंग पॉइंट का, और पुट साइड में मुझे ऑलमोस्ट 300 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ है। अब मैंने क्या किया, मैंने सेम चीज को 27 जुलाई का, आप यहाँ पे देखिए 27 जुलाई का मैंने बाय सेल किया हुआ है, सेम स्ट्राइक प्राइस मैंने 31 अगस्त का, मतलब मैंने एक मंथ बाद का दो कॉल ऑप्शन बाय, एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है सेम स्ट्राइक प्राइस 45,500, अगर आप यहाँ पे देखेंगे इसको ध्यान से तो 45,500 का मैंने कॉल ऑप्शन बाय किया हुआ है एंड 44,500 का मैंने पुट ऑप्शन बाय किया हुआ है, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये ट्रेड को बनाने का लॉजिक क्या है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको लॉजिक समझा देता हूँ कि ये कैलेंडर का ट्रेड है, जब भी विक्स आपका 15 के नीचे आ जाती है तो मैं मोस्टली कैलेंडर के ही ट्रेड करता हूँ, और बड़े टाइम फ्रेम में मतलब कि मंथली अगर मैं कोई ट्रेड कर रहा हूँ तो मोस्टली मैं स्ट्रैंगल ही करता हूँ, स्ट्रैंगल करने के बाद उसको हेज कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप स्ट्रैंगल करने के बाद उसको हेज नहीं करेंगे तो किसी भी दिन एक बड़ा ओवरनाइट गैप अप गैप डाउन होगा और आपका बहुत सारा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा, एक बड़ा नंबर आपका कैपिटल का वाइप आउट हो जाएगा, इसलिए मैं कोई भी ट्रेड करता हूं तो उसको कम्प्लीटली हेज, अगर ओवरनाइट कोई भी ट्रेड कर रहा हूं तो उसको कम्प्लीटली हेज करके करता हूं। तो अब यहां पे आप देखेंगे यहां पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है 4000 समथिंग का, मैक्सिमम लॉस कितना हो रहा है 12000 समथिंग का। अब देखिए ये 4000 को आप ऐसा कंसीडर मत करिएगा, आपको लग सकता है कि ये 4000 रुपीज तो बहुत कम है,
बट अगेन मैं अभी आपको आगे जब इसके एडजस्टमेंट समझाऊंगा तो आपको ये भी बताऊंगा कि आप अपने प्रॉफिट को और कैसे बढ़ा सकते हैं। प्लस 4,000 रुपीज आप यहाँ पर अगर देखेंगे तो आपका टोटल डिप्लॉयड कैपिटल कितना है यहाँ पे, ये पूरे ट्रेड को करने में मेरे 35,000 रुपीज लग रहे हैं। प्लस इसमें मैं थोड़ा और मार्जिन एक्स्ट्रा अपने अकाउंट में रखता हूँ, अराउंड मैं इसको 50,000 रुपीज लेके चलता हूँ कि 50,000 रुपीज मैं अपने अकाउंट में रखा हूँ इस पूरे एक ट्रेड को करने के लिए। तो अब देखिए, अगर मैं 50,000 रुपीज, मुझे ये पूरा एक ट्रेड करने में 50,000 रुपीज लग रहा है, तो इसका अगर मुझे सिर्फ 5% रिटर्न भी कमाना है तो 5% रिटर्न होता है मेरा 2,500 रुपए के आसपास। कि अगर मैं सिर्फ 2,500 रुपए भी कमा लेता हूँ, 2,500 रुपीज भी कमा लेता हूँ 5,000 के इन्वेस्टमेंट पे, एक मंथ में मैं 2,500 रुपीज भी कमा लेता हूँ, तो जो कि मेरा हो जाता है 5% रिटर्न। अब 5% रिटर्न इस स्ट्रैटेजी से कमाना बहुत आसान है, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे ये जो दोनों मैंने लेग्स बाय किए हुए हैं, इन दोनों में डीके कभी इतना फास्ट नहीं होगा जितना फास्ट डीके इन दोनों लेग्स का होगा। और ऑलरेडी मैंने ये लो विक्स पे बनाया हुआ है, तो मुझे विक्स के और ज्यादा नीचे गिरने के का जो रिस्क है वो रिस्क नहीं होगा। मतलब जो प्रीमियम का, ये जो मैंने प्रीमियम बाय किए हुए हैं, इनमें और ज्यादा जो डीके है उसका डीके होने का रिस्क कम है कंपेयर कि ये जो मैंने प्रीमियम सेल किए हैं, क्योंकि ये करंट एक्सपायरी के हैं तो ये प्रीमियम को जीरो होने के चांसेस ज्यादा है। तो मेरा यहाँ पे जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो ओवरऑल प्रॉफिट बढ़ जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे एडजस्टमेंट क्या करना है। आप ये तो समझ गए अभी तक, आई होप कि आप ये जो मैंने सारी चीजें एक्सप्लेन की ये सिर्फ इसलिए किया कि आप कैलेंडर का ट्रेड होता क्या है, किस तरह से आप बना सकते हैं, वो सारी चीजें मैंने आपके साथ शेयर किया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि एडजस्टमेंट कैसे करना है। देखिए यहाँ पे सिंपली जब कभी भी मार्केट, एक पहला तो मैं आपको बता दूं कि जब मैं यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट करता हूँ तो पहले 2 वीक, फर्स्ट 2 वीक, मतलब नेक्स्ट 15, जैसे अगर मैं इस ट्रेड को 15 1 जुलाई को लेता हूँ तो 15 जुलाई तक तो मैं इस ट्रेड में कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा, चाहे मार्केट कहीं भी चली जाए, चाहे मार्केट यहाँ पे भी चली जाए, चाहे मार्केट इधर भी चली जाए, मैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करूंगा। उसका सिंपल सा एक रीजन है, क्योंकि देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है मार्केट में मीन रिवर्सल का, कि अगर मार्केट किसी एक पॉइंट से बहुत सिग्निफिकेंट ऊपर या सिग्निफिकेंट नीचे चली जाती है तो उसके बाद मार्केट में एक करेक्शन या मार्केट में एक रिवर्सल भी आता है जो कि अपने फिर से स्टैंडर्ड पॉइंट पे आ जाती है। अब आप कह सकते हैं कि अगर नहीं आई तो क्या करना है, तो देखिए ऑलरेडी ये ट्रेड है जो मैंने लिया हुआ ये काफी हद तक हेज है, तो ये इस ट्रेड में मुझे कभी भी इतना बड़ा लॉस नहीं दिखेगा। हो सकता है मुझे, जैसे कि मैं अगर इसमें टारगेट कर रहा हूँ 4%, 5% का टारगेट कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम लॉस भी मैं इतना ही ले सकता हूँ कि अगर मार्केट में बहुत बड़ी रैली आ गई तो मैं मैक्सिमम लॉस भी 4%, 5% का ही लूंगा। और दोबारा से एक बार मेरा ऐसा हिट हो गया, मैं दोबारा से ये ट्रेड को फिर से इनिशिएट कर दूंगा, अगेन एक स्ट्रैंगल इनिशिएट करूंगा, उसके हेजेस बाय कर लूंगा, मैं फिर से सेम ट्रेड को इनिशिएट कर दूंगा। तो ये एक है। अब मैं बताता हूँ आपको एडजस्टमेंट कब करना है। अब यहाँ तक आप समझ गए, अब आपको एडजस्टमेंट करना है 2nd वीक के बाद। तो अब मैं मान लेता हूँ कि ऑलरेडी 2nd वीक बीत चुका है, यहाँ पे ये प्रॉफिट को मत देखिए क्योंकि ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी 3rd ऑफ जुलाई को लिया हुआ था। ये इसकी सारी डिटेल जो भी हमारा मेंटोरशिप का बैच है उनके साथ मैंने शेयर किया था। अब आप देखिए आपका यहाँ पे ब्रेक इवन पॉइंट, पहला ये जो कॉर्नर टॉप कॉर्नर है ये कितने पे है, 45,500 पे, और दूसरा ये वाला जो लोअर साइड का टॉप कॉर्नर है वो 44,500 पे। जब कभी भी मार्केट 45,500 को क्रॉस करेगा मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली इस वाले लेग को, ये जो मेरा पुट लेग है ये 44,500 का, मैं इसको पूरा क्लोज करके इसको ब्रीच करना चाहिए। ऐसा नहीं कि मार्केट इसको ब्रीच करके यहीं पे कहीं है तो भी आप कर दें, इसको ब्रीच करके थोड़ा सस्टेन करें। मतलब अगर 45,500 को ब्रीच करके 600 पे चला गया मार्केट और 600, 700 पे सस्टेन कर रहा है, मतलब मार्केट में एक बार क्रॉस करने के बाद करेक्शन नहीं आया, मार्केट ऊपर ही की साइड में जा रहा है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये वाले दो लेग को क्लोज कर देना है, इन दोनों लेग को क्लोज कर देना है। मैं यहाँ पे सिर्फ आपको अभी टेम्परेरी बेसिस पे दिखा रहा हूँ कि आपको यहाँ पे क्लोज करके, इन दोनों लेग्स को क्लोज करके, यहाँ पे प्रीमियम अभी आपको एग्जैक्ट नहीं मिलेंगे, उस समय प्रीमियम डिफरेंट होंगे, मैं सिर्फ आपको करके बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस मत देखिएगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। तो देखिए मैं इन दोनों लेग्स को क्लोज कर दूंगा उस समय, और उस समय मैं क्या करूंगा, उस समय मैं 45,500 का कॉल ऑप्शन जुलाई मंथ का, सॉरी पुट ऑप्शन जुलाई मंथ का सेल कर दूंगा। तो 45,500 जुलाई मंथ का मैं प्रीमियम, अभी देखिए यहाँ पे ज्यादा उस समय इतना ज्यादा नहीं होगा, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आपको करना क्या है। और मैं यहाँ पे 45 अगस्त का, 45,500 अगस्त एक्सपायरी का बाय कर लेता हूँ पुट ऑप्शन, ठीक है।
तो अब देखिए आपका चार्ट कुछ इस तरह का बनेगा, लेकिन अभी ये करेक्ट चार्ट नहीं बन रहा क्योंकि अगेन प्रीमियम इसके बहुत ज्यादा अभी आपको यहाँ पे दिखेंगे, बट मैं आपको सिर्फ एडजस्टमेंट बता रहा हूँ करना क्या है। तो उस समय क्या होगा कि आपके पास फिर से एक रेंज बन जाएगी ऊपर की तरफ, आपके पास फिर से एक एक्सपेक्टेड रेंज, मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि मैं ये ट्रेड काफी टाइम से करता हूँ। तो आपके पास ऊपर के साइड में आपके पास ऑलमोस्ट 46,000 की रेंज बन जाएगी और डाउन साइड में आपके पास 44,500 की आसपास की रेंज बन जाएगी। तो आपके पास अगेन ऑलमोस्ट 1,000 to 1,200 to 1,300 पॉइंट्स की एक्चुअली रेंज बनेगी अगर आप ये वाले एडजस्टमेंट कर देते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि मार्केट अगर इसके ऊपर भी चला जाता है तो क्या करना है। फिर से देखिए आपको अगर मार्केट इसके ऊपर चला जाना है तो नेक्स्ट स्टेप में आपको इन दोनों लेग्स को क्लोज करना है। आपने एक बार पुट को लेग को क्लोज किया, अब मार्केट अगर फिर से ऊपर जाता है तो आपको इन दोनों लोग ये जो कॉल लेग है इन दोनों लेग्स को क्लोज करके फिर से आपको ऊपर के साइड में शिफ्ट कर देना है। कितना? 46,500 पॉइंट का फिर से आपको ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देना है। सेम चीज आपको पुट साइड में भी करना है। देखिए अगर ये जो मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, इसमें थोड़ा भी डाउट हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा उस वीडियो का जिसमें मैंने पूरी स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन की है, बैक टेस्ट के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है, वो एक बार देख लीजिएगा। मैं आपको इस करेंट मंथ के एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, अगर आपको थोड़ा भी डाउट हो रहा है तो वो वीडियो देख लीजिएगा जिससे आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, राइट। तो अभी मैं इन दोनों लेग्स को हटा रहा हूँ। डाउन साइड में भी आपको सेम, अगर मार्केट में क्रैश आता है तो आपको सेम एडजस्टमेंट करना है। इन दोनों को भी मैं 0-0 कर देता हूँ, अभी सारे लेग्स को ओपन कर देता हूँ। चलिए इसको हटा देते हैं हम लोग। चलिए तो अब हम लोग का फिर से वही ओरिजिनल ट्रेड पे आ गए। अब देखिए अगर मार्केट नीचे आता है तो अगेन आपको क्या करना है, आपको अगर मार्केट नीचे आता है तो यहाँ पे कॉल को, पहले हमने अगर मार्केट ऊपर गया तो हमने पुट लेग को क्लोज किया था, 45,500 का कॉल लेग हम लोग क्लोज कर देंगे और ये वाले लेग को भी क्लोज कर देंगे। हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे 44,500 के कॉल लेग पे, मतलब जुलाई मंथ का हम लोग 44,500 का कॉल लेग सेल करेंगे और अगस्त मंथ का हम लोग 44,500 का कॉल लेग बाय करेंगे। अगर आप ये एडजस्टमेंट भी कर देंगे तो अगेन आपके पास डेढ़, मतलब ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट्स के आसपास की रेंज बन जाएगी। अभी अगर आप अपनी रेंज देखेंगे तो 44,000 से लेके 44,200 से लेके 46,000 की आपके पास रेंज है, मतलब यहाँ पे आपके पास 1,800 पॉइंट की रेंज है। बट एडजस्टमेंट करने के बाद आप इन दोनों लेग्स में लॉस भी कुछ बुक कर रहे होंगे, तो वो लॉस की वजह से आपका जो अभी 1,800 पॉइंट का रेंज है, एडजस्टमेंट करने के बाद आपका वो रेंज अराउंड 1,400 पॉइंट, 1,400 to 1,500 पॉइंट्स के आसपास की रेंज हो जाएगी। बट आपका जो ये मिडिल का प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा। आई होप कि यहां तक आपको अब समझ में आ गया होगा। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको अब बताने जा रहा हूं, जब आप थर्ड वीक क्लोज हो जाएगा, लास्ट वीक में पहुंचेंगे, तो आपको क्या करना है। देखिए पहले चीज तो आपको इतना क्लियर होगा कि पहले फर्स्ट 2 वीक में आपको कोई एडजस्टमेंट नहीं करना है। थर्ड वीक का एडजस्टमेंट मैंने आपको बता दिया कि मार्केट ऊपर जाता है तो आपको पुट लेग को ऊपर शिफ्ट करना है, मार्केट नीचे जाता है तो कॉल लेग को शिफ्ट करना है, ये भी समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बता रहा हूँ थर्ड वीक भी बीत गया, अब फोर्थ वीक में आपको क्या करना है। फोर्थ वीक में देखिए सिर्फ कुछ भी नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, ये जो दोनों मैंने अगस्त मंथ के बाय किए हुए हैं 31 अगस्त के, इन दोनों लेग्स को लास्ट वीक में इन दोनों लेग्स को क्लोज कर देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट अगस्त की एक्सपायरी आपको मैं बता देता हूँ कब है। आपका जुलाई मंथ का एक्सपायरी 27 को, अगस्त मंथ की एक्सपायरी जो 1 अगस्त की वीकली एक्सपायरी है वो 3 अगस्त को है। तो आपको इन दोनों लेग्स को क्लोज करके सिंपली 3 अगस्त की एक्सपायरी बाय कर लेनी है। अब ये क्यों करना है, मैं इसका भी आपको लॉजिक समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे जो आपने प्रीमियम पे किया हुआ है ना, ये बहुत ज्यादा प्रीमियम है और यहाँ पे इसके कंपैरिजन में जब आप लास्ट वीक में पहुंचेंगे ना, तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम बचेगा। हो सकता है कि आपका कॉल साइड में 50 पॉइंट का प्रीमियम बचा हो, पुट साइड में भी 50 पॉइंट का प्रीमियम बचा हो। तो इतने बड़े प्रीमियम अगर आपके पास यहाँ पे 50-50 पॉइंट का ही प्रीमियम सेल करने के लिए बचा है, क्योंकि आप जो प्रॉफिट बेसिकली कमाने वाले हो, आपने प्रॉफिट इन्हीं दोनों लेग से कमाना है जो प्रॉफिट जो लेग आपने सेल किए हैं। ये लेग तो सिर्फ आपको अपनी पोजीशन को हैच करने के लिए है, बने हैं। तो अगर यहाँ पे अगर थीटा डीके हुआ लास्ट वीक में, तो इन दोनों लेग में भी थीटा डीके बहुत फास्ट हो जाएगा और उस फास्ट जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है ना, वो भी बहुत कम हो जाएगा। तो लास्ट वीक में आपको क्या करना है, लास्ट वीक में मैं आपको सिंपली यहाँ पे बता रहा हूँ करना क्या है। ये जैसे 3 अगस्त आप देख रहे हैं, आप अपने स्ट्राइक प्राइस नोट कर लीजिए, 45,500 का कॉल, 44,500 का पुट ऑप्शन आपको 3 अगस्त का बाय कर लेना है। यहाँ पे मैं 3 अगस्त का एक्सपायरी चूज कर लिया मैंने, तो यहाँ पे मैं ये पुट ऑप्शन बाय कर लूंगा और
कॉल साइड में भी मैं 45,000। अब देखिए कॉल साइड में अभी तो यहाँ पे लिक्विडिटी नहीं है, बट लास्ट वीक में जब आप आएंगे तो यहाँ पे लिक्विडिटी आ जाएगी। एज ऑफ नाउ मैं इसको बाय कर लेता हूँ आपको सिर्फ दिखाने के लिए, ठीक है, और आप इन दोनों लेग्स को क्लोज कर देंगे। देखिए मुझे पता है कि आपको हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा डाउट आ रहा हो कि कैसे करना है, इसीलिए मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप वो वीडियो भी देख लीजिएगा। इस वीक में मतलब इस पूरे मंथ में मैं खुद अपने ट्रेड में क्या एडजस्टमेंट करने वाला हूँ यही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और इसके सारे अपडेट्स भी मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा कि जब ये सारे अपडेट जो एडजस्टमेंट मैं आपको अभी बता रहा हूँ ये एडजस्टमेंट मैं खुद भी अपने अकाउंट में करूंगा और आपको सारे एडजस्टमेंट बताऊंगा कि हमें करना क्या है। तो यहाँ पे मैं इसकी जो एक्सपायरी है ये 27 जुलाई सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब आप देखिए आपका पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह का, देखिए अभी आप को ये पे ऑफ ग्राफ देखे अच्छा लग रहा होगा लेकिन एक्चुअली में ये पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरह का नहीं बनेगा, ये जब आप ट्रेड कर रहे होंगे तो पे ऑफ ग्राफ थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे मिनिमम प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है अभी के हिसाब से, क्योंकि जब लास्ट वीक में पहुंचेंगे तो यहाँ पे भी काफी ठीक है ठीक हो चुका होगा, आपको इतना प्रीमियम पे नहीं करना पड़ेगा। ये अभी आप जो दिख रहे हैं ये आपको इतना एक्यूरेट नहीं दिख रहा है, बट स्टिल मिनिमम प्रॉफिट आप कम से कम आप 50,000 रुपीज, आप यहाँ पे देखेंगे आपके इन्वेस्टमेंट अभी भी 30,000 के आसपास ही है, तो मिनिमम प्रॉफिट आप कम से कम ये पूरे ट्रेड में अगर करते हैं तो 5% प्रॉफिट बना पाना इस ट्रेड से बहुत बहुत ज्यादा आसान है आपके लिए। इसीलिए मैं खुद भी मंथली ट्रेड रेगुलर बेसिस पे करता हूँ, क्योंकि मंथली ट्रेड से 5%, 4%, 5% का रिटर्न बनाना काफी आसान है। हो सकता है पूरे साल में आप 12 मंथ ट्रेड कर रहे हैं तो कोई एक दो मंथ आपका ऐसा हो जिसको आप कॉस्ट टू कॉस्ट मोस्टली निकाल देंगे, एक दो मंथ में आप 3-4% का लॉस भी ले सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आप 5-5% के रिटर्न बहुत आसानी से कमा सकते हैं मंथली ट्रेड से। तो आई होप कि ये पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी, कुछ भी डाउट रहता है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप वीडियो देख लीजिएगा आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे करंट मंथ में जुलाई मंथ में मैंने जो ट्रेड लिया हुआ उसके मैं क्या क्या पॉसिबल एडजस्टमेंट है वो सारी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया, राइट। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे समझ में आएगी, कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, मैं जो आंसर करूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं आपसे जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।